In this video, we will discuss measurement in chemistry. हम बात करेंगे chemistry में measurement की. Chemistry में measurement क्या होता है बेटा? देखो, chemistry में atom या किसी भी पार्टिकल्स के बारे में अगर हमें स्टडी करनी हो, उसके साइज के बारे में स्टडी करनी हो, उसके वेट के बारे में अगर हमें स्टडी करनी हो, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा माइनर होता है ना. तो उसकी एक्यूरेसी निकालना, प्रिसिशंस निकालना, तो इन सब के मेज़रमेंट के लिए हमने इस वीडियो में पढ़ना है. तो पहला है प्रिसिशंस एंड एक्यूरेसी इन मेज़रमेंट. प्रिसिशंस एंड एक्यूरेसी, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है? पहला है प्रिसिशंस, मैं इसको लिखता हूँ दोबारा से डेफिनेशन. प्रिसिशंस मीन्स होता है हाउ क्लोजली, मीन्स हाउ क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट, हाउ क्लोजली इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एग्री विद ईच अदर, एग्री विद ईच अदर. एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स हाउ द मेजरमेंट डन एक्सपेरिमेंटली, डन एक्सपेरिमेंटली एग्री विद ट्रू और करेक्ट वैल्यू. दिस इज एक्यूरेसी. यानी कि प्रिसिशंस में क्या होता है, जनरली क्लोज टू मैटर, यानी कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हाँ चलो हो सकता है इतनी वैल्यू हमारी क्लियर हो, ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ एक्यूरेसी हमें जितनी भी एटलीस्ट काउंट होती है उसकी, किसी भी मेजरमेंट एपरेटस की, तो वो एटलीस्ट काउंट तक ही हम उसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे, है ना. तो ये चीज़ होता है. जैसे सपोज कीजिए 8.23, अगर कोई भी ऑपरेटर्स है हमारे पास, उसकी एटलीस्ट काउंट होती है 0.022 तक है. तो ये अगर हम इसे ऐसे काउंट कर लेंगे तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी हो जाएगा. लेकिन अगर हम इसको लिखें 8.2, तो दिस इज प्रिसिशंस, दिस इज प्रिसिशंस. यानी कि यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी होगी वो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी आपकी क्लियर है, क्योंकि टू डिजिट तक हमारा था लिस्ट काउंट कितनी थी उसकी, टू डिजिट थी, तो टू डिजिट तक ही हमने उसका आंसर फाइंड आउट किया है. क्लियर? तो ये तो हो गया प्रिसिशंस एंड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट. बाकी सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.